अब बाजार में एक बल्ब लेने गए, तब क्या बोलोगे? आप बाजार में गए, बल्ब लेने गए, तो क्या बोलोगे? ये बताओगे ना कितने वॉट का बल्ब चाहिए? आप उसको बोलोगे बल्ब दे दे, वो बोलेगा कितने वॉट का चाहिए? कुछ तो बताओगे, 10 वॉट, 15 वॉट, 20 वॉट, 100 वॉट, ठीक है? तो हमेशा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस की एक पावर होती है, से 100 वॉट, इसको हम बोलते हैं रेटेड पावर। दैट इज व्हाट, रेटेड पावर, यानी जो मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफाई की। दिस इज फॉर एवरी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है? अब एसी लेने जाओ, दैट इज नॉट इन वॉटेज, दैट इज इन टन्स, ठीक है? अब मिक्सर खरीदने जाओ, दैट यू विल फाइंड 1000 वॉट। हीटर लेने जाओ, दैट यू विल फाइंड। अब कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस ए टू जेड खरीदोगे तो उसमें एक कैपेसिटी आपको मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाई करता है कि ये इतनी पावर का है। दैट पावर इज कॉल्ड रेटेड पावर। जरूरी नहीं है वो हमें मिले, दैट इज डिफाइंड बाय मैन्युफैक्चरर, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, जो लिखा है वो होना जरूरी नहीं है, वो हो सकता है बट कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस में, ओके? अब इसके साथ साथ एक और चीज डिफाइन होती है, कितने वोल्ट का है, क्योंकि वोल्टेज रेटिंग कंट्री टू कंट्री चेंज होती है, ठीक है? तो लाइक अगर हम इंडिया की बात करें तो 240 वोल्ट होता है, राइट? हम इसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए 200 वोल्ट मान लेते हैं, 240 में कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो हमने एक बल्ब लिया 100 वॉट, 240 वोल्ट। अब जो बल्ब जिसने हमें दिया, ना तो उसने हमें लाइट दी, ना हमें पावर दी, ना हमें वोल्टेज दी, ना हमें करंट दिया, कुछ भी नहीं दिया ना, तो दिया क्या? एक रेजिस्टेंस, दैट्स ऑल। उसने हमें एक रेजिस्टेंस दे दिया इन द फॉर्म ऑफ बल्ब, यानी वो रेजिस्टेंस लाइट ग्लो देगा हमको। तो हमारे लिए एवरी डिवाइस फाइनली कन्वर्ट इनटू ए रेजिस्टेंस, कोई भी डिवाइस हो, चाहे पंखा हो, चाहे लाइट हो, चाहे हीटर हो, कुछ भी हो। तो हमें बाजार में गए, हमें एक रेजिस्टेंस मिला, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैन्युफैक्चरर ने डिफाइन की हुई है, ठीक है? इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली कैसे? ये रेटेड पावर, ये रेटेड वोल्टेज, ये रेटेड वोल्टेज, राइट? पावर होती है V² / R, पावर होती है V² / R। उसने पावर डिफाइन कर दी, वोल्टेज डिफाइन कर दी, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया। तो एक रेजिस्टेंस हमें मिला, जो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज हाउ मच, 400 ओम। इसको कैलकुलेट किया ये रख के, तो 400 ओम आ गया। तो हम एक बल्ब खरीद के लाए, वो हमें एक 400 ओम का रेजिस्टेंस मिला। अब उस रेजिस्टेंस को हम कितनी वोल्टेज देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितनी पावर खर्च होती है, राइट? मैन्युफैक्चरर ने तो बोल दिया ये 100 वॉट पावर मिलेगी, लेकिन साथ में बोल दिया अगर 200 वोल्ट दोगे तो। अगर आपने 200 वोल्ट में कुछ ऊपर नीचे किया तो पावर भी ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि वो पावर नहीं दे रहा आपको। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें इतना समझा रहा, उसके बाद भी आप मेरे को बोलोगे सर ये 100 वाट का बल्ब 100 वाट क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो 100 वाट डिफाइंड है, कब? जब वोल्टेज 200 होगी। अगर 200 से कम ज़्यादा हुई तो ऐसे टाइम पे सोचो, घर में बल्ब लगा होता है, कभी डिम हो जाता है, कभी तेज हो जाता है, क्यों? वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है। हम बोलते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रही है घर में, बड़े आराम से बोलते हैं। जब बल्ब कम ज़्यादा होता है तो बोलते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है, और सबको पता है जब ज़्यादा ग्लो करते हैं तो वोल्टेज ज़्यादा आ गई, जब कम ग्लो करते हैं तो वोल्टेज कम हो गई। इट मीन्स वोल्टेज कम ज़्यादा होने से बल्ब का ग्लो, अब बल्ब का ग्लो क्या है? पावर। तो वोल्टेज कम ज़्यादा होने से पावर कम ज़्यादा हो जाएगी, राइट? ठीक है, ये बात समझ में आ गई? सो देयर आर टू डिफरेंट पावर्स जिनको हम डील करते हैं, वन इज रेटेड पावर, वन इज एक्चुअल पावर। एक्चुअल पावर क्या होगी वो सर्किट में डाल के पता चलेगा, रेटेड पावर क्या है जो मैन्युफैक्चरर ने डिफाइन किया, ठीक है? तो हम जब किसी डिवाइस को सर्किट में डालेंगे वो रेटेड दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता।
अगर सेट ऑफ कंडीशन मैच हो गया तो रेटेड मिलेगी, और सेट ऑफ कंडीशन मैच नहीं हुआ तो रेटेड नहीं मिलेगी, राइट। पहले इसको पावर को एक बार नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा, राइट। इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये क्या है, हीट अक्रॉस रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये क्यों होता है, ये हम बहुत शुरू में पढ़ चुके हैं। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करता है वो एटम से कोलाइड करता है, अपनी एनर्जी उनको पास ऑन कर देता है, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में मिलती है, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय सोर्स इन मूविंग चार्ज थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट। जो भी हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें चार्ज को मूव कराने में जो काम करना पड़ा सोर्स को, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, राइट। इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स इज वी, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ऐसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। इफ ए चार्ज मूव थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी, देन वर्क डन इज क्यू इंटू वी, राइट। बट करंट के टर्म्स में देखें तो Q इज करंट इनटू टाइम, I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो Q इज करंट इनटू टाइम, तो Q की जगह करंट इनटू टाइम रख दिया तो W इज इक्वल टू वी आई टी, राइट। दिस इक्वल्स हीट और इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट बोल दो या इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल दो, दिस इक्वल टू हीट और इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो एच इज इक्वल टू वी आई टी। अब वी को आई आर लिख सकते हैं, वी को आई आर लिखा तो ये क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, और I को V बाई आर लिख सकते हैं तो क्या बन जाएगा, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये तीनों सेम फॉर्मूले हैं क्योंकि एक से ही बाकी दो डिराइव किए हैं ना, तो ये तीन अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, राइट। तो आप में से कभी ये नहीं पूछोगे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि तीनों एक से ही आए, ठीक है। वैसे मन करेगा तो पूछ लेना, बट फिर भी अंडरस्टूड है कि सेम ही है, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं ना पता नहीं दिमाग कहाँ होता है, फिर अलग ही दुनिया होती है। वैसे सब कुछ समझ में आता है ना, वैसे सब कुछ समझ में आता है, ये उससे आया ये उससे आया, फिर भी मेरे से पूछेंगे सर उस वाले में तो आर नीचे होता है, उस वाले में आर ऊपर होता है, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी कि कम होगी, तुम बताओ। इस वाले में आर ऊपर है इसमें नीचे है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी कि कम होगी, तुम मेरे से पूछो, इसलिए मैं भी पूछ लेता हूं तुम्हारे से पहले क्योंकि तुम तो पूछोगे, बताओ। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, अगर करंट कांस्टेंट होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ने पे हीट बढ़ जाएगी, वोल्टेज कांस्टेंट होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ने पे हीट कम हो जाएगी,
वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना सर्किट की. आई टोल्ड यू ना कि हीट प्रोपोर्शनल टू आर व्हेन आई इज कांस्टेंट, हीट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर व्हेन वोल्टेज इज कांस्टेंट. सो यू हैव टू सी दैट व्हाट इज कांस्टेंट अमंग द टू. ठीक है, दोनों में क्या कांस्टेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो हम ऐसे नहीं बता सकते, मतलब इफ समबडी सेज मी सर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी कम होगी, मुझे नहीं पता क्या होएगा, पूरा पूरा क्वेश्चन दिखाओ तो पता चलेगा क्या होएगा. राइट नाउ इलेक्ट्रिक पावर, इज द रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड बाय सोर्स at which energy is supplied by source or heat is produced. जिस रेट पे एनर्जी सप्लाई होती है, जिस रेट पे हीट प्रोड्यूस होती है. सो पावर इज इक्वल टू एच बाई टी, तो दैट इज वी आई आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर. हीट की एनर्जी जूल होती है और पावर की एनर्जी वॉट या जूल पर सेकेंड या वॉट. राइट, इतनी छोटी सी बात है. अब मैं कुछ क्वेश्चंस कर देता हूं आपके लिए इससे रिलेटेड. ओके, हो गया राइट. क्वेश्चंस को अच्छे से समझते जाना आराम से, किस सिचुएशन में मैं किस तरह से काम करता हूं. ठीक है, हो गया ना. उसमें से नहीं, मैं अपने पास से करा. हो गया चिराग. टू आइडेंटिकल बल्ब्स, राइट, समझ लो. नोट करके क्या करोगे, एक ही बाद में नोट कर लेना आराम से, नहीं तो. ठीक है, टू आइडेंटिकल बल्ब्स 100 वॉट 200 वोल्ट इन सीरीज अक्रॉस 400 वोल्ट. दो बल्ब सीरीज में आइडेंटिकल है 100 वॉट 200 वोल्ट के, और किस में 400 वोल्ट में लगाए. राइट, ये एक बल्ब, ये एक बल्ब, और ये 400 वोल्ट. करेक्ट. नाउ अब हमको सबसे पहले इनका रेजिस्टेंस चाहिए. आइडेंटिकल है तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना हो गया. रेजिस्टेंस हम हमेशा निकालेंगे जो रेटेड होगा उससे. रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना, 200 स्क्वायर अपॉन 100, दैट इज 400 ओम. और जहां समझ में नहीं आए वहीं पूछ लेना. ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया 400 ओम, तो ये भी 400 ओम, ये भी 400 ओम. ये करंट आई, तो टोटल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है तो 800. तो करंट इज वोल्टेज 400 अपॉन रेजिस्टेंस कितना, 400 प्लस 400, दैट इज 1/2. राइट, पावर अक्रॉस वन इज आई स्क्वायर आर 1/2 स्क्वायर इंटू 400, दैट इज 100. पावर अक्रॉस सेकेंड इज हाफ स्क्वायर इंटू 400, दैट इज 100. तो बिल्कुल जैसे जैसे उसने कहा था मैन्युफैक्चरर ने, ठीक वैसे वैसा हो रहा है. जबकि वोल्टेज तो 400 लगाई,
फिर भी ऐसे ही हो रहा है, उसने भी 100 वाट दिया, उसने भी 100 दिया वाट दिया, जबकि वोल्टेज हमने 400 वाट। तो क्या हुआ, क्योंकि एक बल्ब को हमें कितनी देनी थी, 200, हमने दोनों को मिला के 400 दी, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, तो 400 में से 200 इसको मिल गई, 200 इसको मिल गई, एंड देन अकॉर्डिंगली दोनों इक्वली ग्लो कर गए, राइट। इतना समझ में आया, किसी को कुछ पूछना है? नहीं। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। टू बल्ब्स 100 वॉट 200 वोल्ट एंड 25 वॉट 200 वोल्ट। नाउ दे आर नॉट आइडेंटिकल, दो देयर वोल्टेजेस आर सेम, इसको बोलते हैं वोल्टेज रेटिंग सेम है, बट पावर रेटिंग अलग हो गई, ठीक है। तो अब पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना, 200 स्क्वायर अपॉन 100, दैट इज 400। दूसरे वाले का 200 स्क्वायर अपॉन 25, दैट इज 1600, राइट। एक चीज तो यहाँ से ये सीखो, जिसकी पावर कम होती है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसकी पावर कम होती है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, राइट। नाउ ये दोनों बल्ब को लगा दिया हमने, B1 400 ओम, B2 1600 ओम, टोटल वोल्टेज 400, बाकी सब कुछ सेम, सिर्फ एक बल्ब की पावर चेंज की। अब करंट कितना, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज 1/5, करंट इज 1/5। अब पावर पहले वाले की कितनी, P1 इज इक्वल टू 1/5 स्क्वायर इंटू 400, कितना हो गया 16, 400 बाई 25 16, एंड सेकेंड वाले की ठीक है। अब सब कुछ उल्टा हो गया, ज्यादा पावर वाला कम रोशनी दे रहा है, कम पावर वाला ज्यादा रोशनी दे रहा है, ज्यादा पावर वाले की कितनी वो हुई 16, और जो कम वाला था वो 64, ठीक है। जो ज्यादा पावर वाला बल्ब था वो कम रोशनी दे रहा है, और जो कम पावर वाला था वो ज्यादा दे रहा है, राइट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों में करंट तो दोनों में सेम था बीइंग इन सीरीज, और रेजिस्टेंस छोटे वाले का ज्यादा था, रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है, करंट तो दोनों में सेम है, तो जब ऐसे सीरीज में लगाएंगे तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर ज्यादा मिलेगी, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें पावर कम मिलेगी, राइट। तो अगर मान लो मैं ये वोल्टेज बढ़ाऊं तो कौन सा पहले फ्यूज होगा, नहीं पहले क्या, ये तो अभी फ्यूज हो जाएगा, 25 वाट का था 64 वाट ले रहे हो तो फ्यूज तो होना ही है इसको, 25 वाट का था और आप कितनी वाट ले रहे हो उससे 64, तो फ्यूज कौन सा होएगा, जो छोटे वाला है। अगर सीरीज में दो बल्ब लगाए, दोनों की पावर रेटिंग अलग अलग है, तो कौन सा वाला फ्यूज होगा, कम पावर वाला, रीजन कम पावर वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसलिए उसमें पावर भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी और वो रेटेड से ज्यादा हो जाएगी, और जैसी रेटेड से ज्यादा हुई तो फ्यूज हो जाएगा। कोई भी बल्ब फ्यूज क्यों होता है, जब आप उससे ज्यादा रोशनी लेने की कोशिश करते हो तो फ्यूज होता है। इतनी बात समझ में, यहाँ तक कुछ पूछना है, नहीं, डन। चलो अब उसमें से करते हैं,
यहाँ से शुरू होता है 36. टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स हूज रेशोज आर हूज रेजिस्टेंस आर इन रेशो 1:2 सीरीज में लगाए तो पावर डिसिपेटेड का रेशो क्या होगा? सीरीज में लगाए तो करंट तो सेम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डबल तो पावर भी डबल, तो क्या आएगा 1:2 एग्रीड? सीरीज में होगा तो आप करंट को देखोगे क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में होगा तो वोल्टेज को देखोगे क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, राइट? हो गया? नाउ 39. If two bulb of 25 watt and 100 volt rated at 220 volt are connected in series across 440 supply, तो कौन सा फ्यूज होगा? 25 watt. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, राइट? अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला सोचो, फोर टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया तो एनर्जी फोर टाइम्स, ठीक है, राइट? ये मैं करता हूं 41 में कर रहा हूं, ओके? हमें इसमें हीट दे रखी है, कितनी? 10. इसमें हीट दे रखी है 10 कैलोरी और हमें निकालनी है इसमें कितनी है, राइट? तो हीट निकालने के लिए मुझे इसमें करंट चाहिए. मान लो ये करंट I है, ये करंट मान लो I1 है और ये करंट मान लो I2 है, ठीक है? नाउ व्हाट इज गिवन टू मी इज I1 square into 5 is 10. This is what power across this I square R. So I1 square into 5 is equal to 10. So I1 square is equal to 2. Yeah, I1 is root 2. Yeh mere paas current aa gayi. Chahiye mujhe kaun si? Yeh wali I. So uske liye I2 pehle chahiye. अब I2 निकालने के लिए या तो आप किरचॉफ लॉ लगा लो इस लूप में तो आ जाएगी I2, ठीक है? इस लूप में I1 मालूम है तो एक ही वेरिएबल है I2, किरचॉफ लॉ लगा लो तो आ जाएगी. या ऐसे कर लो, ये दोनों मिलके इसके पैरेलल में है, ये दोनों मिलके कितना हुआ 15, तो 15 एंड 5 आर इन पैरेलल, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो V1 is equal to V2, तो 5I1 is equal to 15I2, तो I2 is equal to I1 by 3, correct? तो I कितना हो गया I1 plus I2, I1 तो I1 ही ले लो, I2 is I1 by 3, so that is 4I1 by 3 या 4√2/3, ये I आ गया. अब इसमें पावर कितनी हो जाएगी? I square R. I कितना है? 4√2/3 का स्क्वायर इंटू 2, दैट इज 4 to 8, 16 to 32 to 64/3, 64/9, तो लगभग 7 ये हो जाएगा. 64/3 इज अप्रोक्सीमेटली 7, सो दैट विल बी 7.1. समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 12 करो.
तीन बल्ब 40, 60 एंड 100 वॉट सीरीज में कनेक्टेड है, किसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा? जितना छोटा बल्ब उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, और सीरीज में है तो करंट तो सेम, तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसका? 41, और सबसे कम 100 का, राइट? नाउ 13 तो छोड़ो, 14। एक हीटर को 60 वॉट बल्ब के सीरीज में ज्वाइन किया, हीटर को 60 वॉट के बल्ब के सीरीज में ज्वाइन किया, फिर 60 वॉट को 100 वॉट से रिप्लेस किया, तो रेजिस्टेंस के टर्म्स में देखो बढ़ा या कम हुआ? रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो हीटर में ज्यादा हीट मिलेगी, हीटर में हीट ज्यादा मिलेगी, राइट? ठीक है, तो सीरीज का ही ये पंगा होता है। ओके,